पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? मीडिया के सामने भी आप बताओ ना। ये तस्वीरें दिल्ली के विजय चौक की हैं। जब राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित हो गई, तो सांसद बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक एक पुलिसकर्मी ने आकर उन्हें रोक दिया। वजह बताई गई कि हायर अथॉरिटी को जानकारी देने के लिए पुलिस ऐसा कर रही है। इस दौरान मौके पर मौजूद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और केसी वेणुगोपाल ने जानने की कोशिश की कि कौन सी ऐसी हायर अथॉरिटी है जो संसद के बाहर सांसदों को मीडिया से बातचीत भी नहीं करने देना चाहती। जिस पर पुलिसकर्मी मौन हो गया। जब उसे दिखाई दिया कि मामला बढ़ता जा रहा है, तो फिर सांसदों को मीडिया से बातचीत करने की इजाजत देकर वहां से निकल गया। करने का अधिकार किसने दिया है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? हम मीडिया के सामने भी आप बताओ ना, आपके किसान की बात को मीडिया के सामने रखने से भी आप रोकने का काम करेंगे? ये मीडिया लोज है। नहीं नहीं, मीडिया है, मीडिया हमने मीडिया ने बुलाया है। पुलिस स्टेट उसका हायर अथॉरिटी है जिसको ये पता चलना चाहिए किसान की बात पार्लियामेंट दे रही है, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से फिर आपका क्या हक है? हम बात कर रहे हैं किसानों की, बीच में आपने कैसे रोका हमें? इन्फॉर्मेशन हाई अथॉरिटी को लग रही है। ये विजय चौक पे है, इसका गौरव है। बीच में कोई हायर अथॉरिटी को ये अधिकार क्या? निगरानी रखी जाएगी? नया मार्शल लॉ लगा दिया इस प्रकार का, ये पाकिस्तान जैसा हाल इधर कर रहे हैं। ये हमारा नाम लिख रहे हैं, इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा बार बार सवाल करते दिखाई दिए कि संसद में उन्हें नहीं बोलने दिया गया, तो क्या अब बाहर भी उन्हें मीडिया से बातचीत नहीं करने दी जाएगी? दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। ऐसे सबसे पहले मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप देखिए आपकी पुलिस क्या कर रही है। ये क्या पाकिस्तान है जहाँ मार्शल लॉ कहीं लगा हुआ है कि पुलिस को हम इन्फॉर्म और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करें, वो भी विजय चौक पर बीच में रोक रहे हैं और बीच में बात कर रहे थे, बीच में आपके सामने बीच में रोकने का काम किया और कहा कि हायर अथॉरिटीज से हमें आदेश है। ये कौन सी हायर अथॉरिटीज हम जानना चाहते हैं? पार्लियामेंट से ऊपर कौन सी आवाज हम अंदर नहीं उठा पा रहे, बाहर भी नहीं उठा पाएंगे। और एक मिनट, हम कहना ये चाहते हैं कि फार्मर कह रहे हैं ये डेथ वारंट है, आप धक्के से फार्मर्स को डेथ वारंट पे साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और तोमर साहब ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, वैसे हम बात करने को तैयार है। वैसे कौन सी बात है? शरद के साथ कौन सी बात? ये बहुत गंभीर विषय हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। ये हमारे प्रिविलेज का भी मुद्दा है, वो भी उठाएंगे हम। भारत देश की संविधान से कायम संसद के सदस्य हैं, उस रूप में भारत देश के नागरिक जिसमें भारत देश का किसान शामिल है, उनकी आवाज़ उठाने का अधिकार हमें संसद के अंदर और बाहर है। मगर क्या हमसे पूछा जाएगा पुलिस भेज कर कि हायर अथॉरिटीज़ पूछ रही हैं कि आप कौन हैं, कैसे आवाज़ उठा रहे हैं? यहाँ पर आपके सामने जो हुआ है वो लोकतंत्र और संविधान का कत्ल है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद बाकी साथियों के साथ विजय चौक के लॉन में मीडिया से किसानों के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान ये पूरा वाक्या हुआ। सांसदों ने पुलिस के इस व्यवहार के प्रति नाराजगी जाहिर की, तो पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।